देखो वाले सब इन्हें तो जॉन सीना तो यार गोट नहीं बन पाए WWE 2K24 में, रियल में तो वो गोट है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन WWE 2K24 में जॉन सीना गोट नहीं बन पाए क्योंकि बैक टू बैक चार फाइट उन्होंने हारी है। तो उसके बाद अब कोडी रोड्स का टाइम आ गया है कि वो चैंपियन के साथ साथ WWE 2K24 में भी गोट बने। तो पहली फाइट होने वाली है कोडी रोड्स की दी अंडरटेकर से, क्योंकि अंडरटेकर एक ऐसे सुपरस्टार है जो अगर गोट बनना है WWE में तो टेकर सर से भिड़ना ही पड़ेगा और उन्हें हरा के ही तुम गोट बनने की सीढ़ी चढ़ सकते हो। तो फटाफट से गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो अगर नए हो, क्योंकि नॉट सब्सक्राइब वाले व्यूज ज्यादा है सब्सक्राइब वाले से। टेकर सर और कोडी रोड्स आमने सामने, तो जॉन सीना तो भले ही कोडी रोड्स जॉन सीना नहीं है भाई, वो अमेरिकन नाइटमेयर है भाई, वो बहुत मारेगा। टेकर सर थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि वो जॉन सीना नहीं है। सीना फिर भी मूव्स को चूक जाते हैं, मौका चूक जाते हैं, लेकिन कोडी नहीं चूकता है सर, तो बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। दूसरा क्रॉस रोड्स टेकर सर को, तो मुझे तो उसमें भाई कोडी रोड्स की जीत दिख रही है, लेकिन फिर भी फाइट है, कुछ पता नहीं है कि कहाँ मुड़ जाए। टेकर दूसरे वाले टेकर सर ये कोडी को पीटते हुए, ठीक है समझदारी दिखाई है, बाहर चले गए। तो लीगल वाले टेकर सर के पास अब भी तो फिनिशर है और लीगल वाले कोडी रोड्स के पास कोई भी फिनिशर नहीं है। तो यार लीगल वाले कोडी रोड्स को टैग दे देना चाहिए एक्सेल या इलाइट वाले को तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कोडी रोड्स टैग दे दो, देखो जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, सिग्नेचर और फिनिशर दोनों ही जल्दी ही आने वाले हैं, तो फायदेमंद ही होगा अगर कोडी रोड्स रुके रहते फाइट में। लेकिन टेकर सर वापसी करते हुए, क्योंकि अंडरटेकर द फिनोम वाई वो नाम है ना जो WWE पहचानी जाती है टेकर सर के नाम से, क्योंकि अंडरटेकर एक ऐसा नाम है जो पुराने टाइम में ना WWE इसी नाम से पहचानी जाती थी कि टेकर सर कहाँ फाइट करते हैं, तो WWE में करते हैं। तो भाई टेकर सर को हरा के ही कोडी रोड्स गोट बनने की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। एक्सेल वाले कोडी आ चुके हैं, एक और फिनिशर टेकर सर को, भाई 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 ये बहुत तगड़ा खेल रहा है भाई, ये वाला तो बहुत तगड़ा खेल रहा है। टेकर सर वाले को भी टैग मिल गया है क्या? ठीक है बचाने का मौका था, अब बच गए। तो जॉन सीना से ये फाइट्स बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि जॉन सीना और कोडी रोड्स दो बहुत अलग अलग सुपरस्टार हैं। सीना एक गेम में कहो कि टुके ने इम्प्रूवमेंट तो किया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन कोडी रोड्स भाई रियल में तो कोडी ने रोमन रेस को डिफीट किया है और स्ट्रीक तोड़ा था, लेकिन क्या यहाँ गोट बन पाएंगे? तो उसके लिए 5 या 9 फाइट्स होने वाली है, आई थिंक 5 या 7 ठीक रहेंगी। पहला टेकर सर एलिमिनेट, भाई 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 कोडी नहीं मानने वाला, चलो मुंह पे दुलत्ती, कोडी थोड़ा पितना भी जरूरी है। चलो फाइनली एक फिनिशर टूनस्टोन पाइल ड्राइवर, कोडी रोड्स एक्सल वाले को फिनिशर लगा। तो अभी तो कोडी काफ़ी आ सकते हैं बचाने, तो अभी तो पिनफॉल अभी नहीं हो पाएगा, टेकर तो थोड़ा सा मारना पीटना पड़ेगा उसके बाद ही पिनफॉल हो सकता है। अभी एक कोडी दूसरे भी ओरिजिनल वाले भी बचाने आ सकते हैं, तो कोडी को यार देखो संभाल के चलना पड़ेगा। अगर 5 या 7 वो मेरे को कमेंट करके बताओ कि 5 फाइट की सीरीज रखी जाए या 7 फाइट की सीरीज रखी जाए। मेरे हिसाब से 7 ठीक रहेगा, 5 थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा मौका मिलना चाहिए सुपरस्टार को खुद को प्रूफ करने का और गोट बनने का, और इसके बाद और सुपरस्टार का भी करेंगे उसके बाद जब फाइनल में एक रिजल्ट आएगा ना कि कौन कौन गोट बनने लायक है, पर उन सब की एक फाइट करवाई जाएगी, तो वो रॉयल रंबल भी हो सकता है या वो एलिमिनेशन मैच भी हो सकता है गॉन्टलेट में, तो उसके बाद वो तो बात की बात है। फिलहाल ये देखते हैं कि कोडी रोड्स क्या कर रहे हैं और टेकर सर को हरा पाएंगे या नहीं। तो मुझे तो लग रहा है टेकर सर का टाटा बाय बाय जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि टेकर सर ने अगर जल्दी ही कुछ वापसी नहीं की, कुछ कमबैक नहीं किया। लो कोडी भाई एक फिनिशर कोडी छिन गया, कोई बात नहीं कोडी, अभी तो बहुत गेम बाकी है, तो अभी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक टेकर सर का एलिमिनेशन तो हो भी चुका है, तो टेकर सर का वो जो लीगल वाले टेकर सर का हेड लाल है, तो कोडी एक फिनिशर लगा तो टाटा बाय बाय हो सकता है, एटलीस्ट रेजिलेंस तो चली ही जाएगी। अच्छा जो टेकर सर आ आए हैं उनका कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज नहीं है, उसके बाद 2 फिनिशर भी हैं, तो फिनिशर लगा सकते हैं। फिनिशर लगा भाई ये पावर बॉम्ब, कोडी रिवर्स कर दिया यार। अच्छा जॉन सीना कोडी में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है,
कि कोडी रिवर्स फिनिशर रिवर्स भी कर लेते हैं लेकिन सीना रिवर्स नहीं करते थे। आई डोंट नो क्यों नहीं करते थे, लेकिन सीना रिवर्स अगर मूव करते ना तो हो सकता सीना मैच जीते और गोट बन जाते, लेकिन कोई बात नहीं। और सीना वाली फाइट्स अगर आपने नहीं देखी हैं तो यार वो तो यार बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप। तो गेम में यार मतलब सीना की फाइट्स नहीं देखी तो क्या देखा। तो चार फाइटें होंगी जॉन सीना की अलग अलग सुपरस्टार से, तो जाके देखो यार। और रिसेंट वीडियोज ही हैं तो आपको ऊपर ही ऊपर चैनल पे मिल जाएंगी। इलाइट वाले के पास भाई सुपर फिनिशर आ चुका है, पेबैक यूज कर लिया। ये ओल्ड स्कूल ये रिवर्स हो जाएगा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अरे टेकर सर वो तुम्हारा कॉर्नर नहीं है भाई, भाई कोड़ी के कॉर्नर पे चढ़ के टेकर से ओल्ड स्कूल लगा रहे। चलो ठीक है बढ़िया, ये सिग्नेचर है। चलो टेकर सर कुछ तो वापसी कर ही रहेंगे, ये अगर फिनिशर लगता है भाई लगा। रिवर्स भी नहीं हुआ है, इलाइट वाले कोडी रोड्स की हालत खराब भाई, कोई बॉडी पार्ट डैमेज नहीं हुआ अभी तक, तो एक कोडी तो अभी भी बचाने आ सकते हैं। टेकर सर अभी टाइम है पिनफॉल में, और दूसरे वाले टेकर सर को टैग मिल गया। और ये वाले टेकर सर भी यार स्ट्रैप उतार दो, स्ट्रैप लगे होते तो अच्छे नहीं लगते भाई, स्ट्रैप उतार के अच्छे लगते हो ठीक है ना। एक्सेल वाला पिट रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई इतना खास डैमेज भी नहीं हुआ। ये फिनिशर लगा भाई, एक और फिनिशर लगा, तो इलाइट वाली कोटी की हालत ख़राब। हालत भाई कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज नहीं हुआ अभी, एक कोटी बचाने आ तो सकते। रेजिलेंस यूज क्यों नहीं की है भाई, रेजिलेंस यूज कोटी ऐसे तो हार जाओगे भाई, रेजिलेंस क्यों नहीं यूज की। टेकर सर के पास फिनिशर आ चुका है, चलो ओरिजिनल भाई वो सुपर फिनिशर लगाने जा रहे थे, अगर सुपर फिनिशर लग जाता तो कंट हो जाता लगा। अरे भाई साहब बच गया सुपर फिनिशर, पर कोडी ने क्रॉस रोड फास्ट ही लिया, कोडी नहीं मानने वाला। टेकर सर बचाने आ सकते हैं, लास्ट चांस है इनके पास, इसके बाद तो आई थिंक नहीं बचाने आ पाएंगे। कोडी एक फिनिशर है सिग्नेचर लगा दो, या नॉर्मल मूव भी लगा दो इस समय। डबल टीम अटैक सही आइडिया है, क्योंकि दूसरे वाले एक्सल वाले कोडी के पास फिनिशर है। चलो ठीक, ये ठीक हुआ कि सुपर फिनिशर चला गया, और एक्सेल वाले ने भी क्रॉस रोड लगा दिया भाई। इस वाले टेकर सर की रेजिलेंस गई, रेजिलेंस अगर यूज़ नहीं की तो बात अलग है, रेजिलेंस गई। वो इलाइट वाले कोडी ने रेजिलेंस पता नहीं क्यों नहीं यूज़ की भाई, करनी चाहिए थी, ये गलत तो हो जाता है। चलो टेकर सर बहुत अच्छी वापसी की, मतलब जहाँ कोडी एक तरफा मैच जीतते हुए दिख रहे थे वहीं यार देख रहे हो मैच हलक में आ गया। ये फिनिशर भाई टेकर सर हराना थे, मुझे लग रहा है टेकर सर हराना थे भाई। रेजिलेंस गई, नहीं कोडी अभी भी बचाने आ सकते हैं दूसरे वाले कोडी, भाई जल्दी आओ प्लीज कहो। चलो वो बिना रेजिलेंस की किक आउट कर दिया, बढ़िया कोडी बढ़िया। चल इन वाले टेकर सर के पास दो दो फिनिशर है भाई, और रेजिलेंस नहीं है इस लगाया। रिवर्स कर दो कोडी, रिवर्स करो प्लीज भाई 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 भाई, बहुत टेकर सर तो इस समय बहुत ज्यादा फॉर्म में दिख रहे हैं। चलो कोडी आ गए बचाने, तो कोडी बचाओ ना, रेजिलेंस जाने वाली है। ये तो यार पगले ही में मैच चल रहा भाई, सामने सामने खड़ा बचा नहीं रहा था बंदा, कोडी कोडी को नहीं बचा रहे थे। मैच बिल्कुल टक्कर पे आ चुका भाई बिल्कुल। चलो कोडी ने वापसी की है, कोडी सिग्नेचर लगा दो तो शायद इन वाले टेकर सर की भी रेजिलेंस चली जाए। डबल टीम अटैक मत करो यार, दूसरे कोडी के पास, अच्छा दूसरे कोडी के पास ही सिग्नेचर है। चलो इस वाले के पास सिग्नेचर है भाई, ये बढ़िया सिग्नेचर लगा भाई। रेजिलेंस जाएगी क्या, दूसरे वाले कोडी बचाने आ सकते हैं, हाँ बचाने आ सकते हैं टेकर सर दूसरे वाले में। तो अभी भाई मैच बिल्कुल, ओहो क्रॉस रोड दूसरे वाले को, पिनफॉल नहीं हो सकता, कोडी गलती कर दी, फिनिशर वेस्ट कर दिया। पिनफॉल दूसरे वाले पे करा लो या कोई भाई मूव भी नहीं है, ना सिग्नेचर है ना फिनिशर है, तो ये गड़बड़ हो सकती है। डबल टीम अटैक भाई होने नहीं दिया टेकर सर ने, टेकर सर फिनिशर लगा क्या, नॉर्मल सबमिशन है। कोडी गए क्या, कोडी टैप आउट नहीं किया, ठीक है बढ़िया कोडी बढ़िया, टैप आउट कर देते तो गड़बड़ हो जाती। पुल डॉग भाई भाई बहुत याद कसम से बहुत तगड़ा मैच बैठ रहा है, मजा आ रहा बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ा मैच बैठ रहा है भाई। टेकर सर नीचे नीचे मत जाना कोडी, हो सकता है टेकर एलिमिनेट हो जाए, दूसरे को उंगली मत करो, लीगल वाले को उंगली करो, पर कोडी मानने वाले नहीं है।
भाई पड़ी मुंह पे दुलत्ती, कह रहा हूँ दूसरे वाले को उंगली मत करो। और इन वाले कोड़ी के पास रेजिलेंस है लेकिन मीटर नहीं है अभी, ओल्ड स्कूल। भाई कोड़ी रिवर्स करना भूल गए हो क्या? कोड़ी के पास जब तक रेजिलेंस आ जाएगी तो यार गड़बड़ हो जाएगा मामला, मैं बता रहा हूँ। अगर इस वाले कोड़ी की रेजिलेंस गई लेकिन एक्सेल वाला बचाने आ सकता है, एक्सेल वाला बचाने ही नहीं आ रहा। आया 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 भाई, कोड़ी ने वैसे ही किक आउट कर दिया। बढ़िया कोड़ी, बढ़िया फिनिशर लग गया भाई। रिवर्स करो तो कोड़ी रिवर्स भी नहीं किया, अब तो पक्का रेजिलेंस गई क्योंकि दूसरा वाला बचाने भी नहीं आ सकता। रेजिलेंस यूज करो, ठीक है कोड़ी रेजिलेंस गई तो दोनों कोड़ी की रेजिलेंस जा चुकी है, एक टेकर की रेजिलेंस जा चुकी है, एक टेकर की रेजिलेंस बची है। भाई इस वाले टेकर के पास फिनिशर बचा हुआ है तो अगर लगा तो कोड़ी का टाटा बाय बाय हो गया। कोड़ी फिनिशर लगाओ, फिनिशर लगा देते तो बचने की, लेकिन दूसरा वाला टेकर अब भी बचा नहीं आ सकता। भाई टेकर सर के पास कितने मौके आ रहे हैं बचाने के, समझ में नहीं आ रही कहानी मुझे। चलो ठीक है, डबल टीम अटैक। इस वाले टेकर को अगर पिनफॉल हो गया तो किक आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि रेजिलेंस जा चुकी है और बहुत देर से पिट रहे। ये वाले टेकर को स्टंट करके फिर पिनफॉल करो इस वाले पे तो समझ में आएगा। चलो कोड़ी स्टाइलिश स्टाइल दिखा लो, ठीक है, पर कोड़ी संभल के चल रहा है बहुत बैच में क्योंकि रेजिलेंस जा चुकी है। कोड़ी फिनिशर लगाओ, पर एक्सेल वाले कोड़ी के पास कोई फिनिशर नहीं है भाई, ये गड़बड़ वाली बात है। ठीक है फिनिशर ले आएगा कोड़ी जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रिवर्स हो गया मूव। अच्छा इस वाले टिकर सर के पास एक फिनिशर है, लगा तो गड़बड़ हो सकती है। क्या लगा रहे हैं टेकर सर? लेग ड्रॉप लगाया, ठीक है नॉर्मल मूव है। कोड़ी फिनिशर मत खाना प्लीज, रिवर्स कर दे। चलो ठीक है, टेकर भी रिवर्स कर रहे हैं। इस समय कोड़ी और टेकर बिल्कुल टक्कर पे चल रहे हैं भाई। कोड़ी कुछ भी करके एक फिनिशर लगा के और भाई एलिमिनेट करो, एक टेकर जाएगा तो ही उम्मीद बन सकती है, अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं बनेगी। डबल टीम अटैक, जो टेकर अब आए उनके पास कोई फिनिशर नहीं है लेकिन रेजिलेंस है भाई, देख रहे हो समझदारी। अब अगर इन्होंने पिनफॉल कराया तो हो सकता है पिनफॉल हो जाए इस वाले कोड़ी क्योंकि दूसरा वाला स्टंट है। भाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा समझदारी, इसे कहते हैं प्लेयर। भाई ये होता है दिमाग, मैं यही कह रहा था कि दूसरे वाले को स्टंट करो उसके बाद पिनफॉल कराओ तो हो जाएगा जल्दी। इस वाले कोड़ी के पास रेजिलेंस नहीं है और टेकर सर पेल रहे हैं पूरी तरह। जितना अच्छा मोमेंटम स्टार्टिंग करी थी ना कोड़ी रोड्स ने, एंड में आके मिडिल ऑफ द मैच ना वो मोमेंटम बिगाड़ दिया कोड़ी ने। कोड़ी कोई बात नहीं है अभी, लेकिन टेकर सर भाई दो दो टेकर है और एक के पास तो रेजिलेंस भी है। कोड़ी कुछ भी करके एक फिनिशर रिवर्स करो, लगा फिनिशर लगा, कोड़ी रिवर्स 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 नहीं हुआ, ये वाले कोड़ी भी गए भाई, मैच खत्म। टोनस्टोन पाइल ड्राइवर, रिवर्स तो हो ही नहीं पाएगा भाई, बना बनाया मैच कोड़ी रोड हार गए। जिससे भी फाइट हो रही है हार जा रहा है यार वो। तो वीडियो में मजा आया तो मेरे भाई लाइक करना, और नेक्स्ट फाइट कल ही आ जाएगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखना यह है कि कोड़ी रोड 7 में से कम 4 या 5 मैच जीत पाते हैं कि नहीं, तभी गोट बन पाएंगे। उसके बाद नहीं तो कोई नया सुपरस्टार लेंगे जो गोट बन पाए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।